तो देख लो नखरे। ढेर सारा सामान लिया है मैंने। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है ट्यूसडे और आज है शिवरात्रि, तो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और अभी हुए हैं इवनिंग के 6 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं रेडी हूँ, यहाँ पे काजल रेडी है, हबी रेडी है और मम्मी भी आए हैं, मम्मी को भी बुलाया है। हम जा रहे हैं डी मार्ट घूमने। मैं जा रही थी एक्चुअली, में हमारा प्रोग्राम था मुंबई में जो कोला कॉम्प्लेक्स में मॉल है जियो, केरो पीछे काजू केरो मॉल जियो वर्ल्ड ड्राइव उसमें जाना था एक्चुअली। आज हमारा प्रोग्राम था, सुबह से निकलने वाले थे बट नहीं निकले, क्यों तो पता चला 2 वैक्सीन कंपलसरी है, तो मेरी एक वैक्सीन लगी हुई है, 2 नहीं लगी हुई है, तो मुझे नहीं मिला कहीं पे भी जाना, न मॉल में कहीं जा सकी न क्या। फिर आज हमने डी मार्ट ही डिसाइड किया है तो डी मार्ट जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ही है, इतना दूर नहीं है, जैसे मैंने आपके साथ लास्ट टाइम भी डी मार्ट का ब्लॉग शेयर किया था, तो आज भी जितना हो सके हम शूट कर सकेंगे, वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है इतना, तो जितना हो सके मैं शूट करने की कोशिश करूँगी, बाकी इतना तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं। तो मम्मी भी आए हैं, हाय। तो मम्मी तो कल परसों यहाँ से गए थे, तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअली, जुकाम और फीवर था, तो वैसे भी मम्मी को टैबलेट भी लेनी थी, तो मैंने बोला चलेंगे कि यहाँ पे ये साइड में ही घूमने चलेंगे, दूर नहीं है, तो मम्मी ने बोला हाँ चलूंगी। फिर मैंने बोला यहाँ पे आ जाओ, तो वैसे भी हमारा जो फैमिली डॉक्टर है उसका ही मम्मी भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो मम्मी को भी उसका ही ट्रीटमेंट अच्छा लगता है, तो उसे फ़ोन करके टैबलेट वगैरह मंगाई, अभी ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे ये साइड में घूम के आएंगे थोड़ी देर ही, तो चेंज हो जाएगा ना, अभी ठीक लग रहा है ना, अभी ठीक लग रहा है, और लग रही है ना हीरोइन आज हीरोइन लग रही है तो अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं, सब रेडी हो चुके हैं, जितना शूट हो सका हम करेंगे, काजल बुढ़े वहां पे करेंगी ना जितना हो सका, तो ये मैडम भी रेडी हो चुकी है। हाय कर, हेलो, तो देख लो नखरे इस बार ढेर सारा सामान लिया है मैंने, मैंने खुद के लिए स्लीपर भी लिया, मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या क्या लिया, पूरी ट्रॉली भर गई है, इतना सामान लिया है, मम्मी ने भी लिया। तो अभी भूख लगी है तो पॉपकॉर्न मंगा रही हूँ खाने के लिए, आइसक्रीम भी है पर नहीं खा रही हूँ।
अभी रात के 9:30 बजे हैं। हम अभी जस्ट खाके उठे, इतनी भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी। मम्मी और मैं, बैठने का कुछ था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था वहाँ पे। इतनी रश मॉल में, डीमार्ट मॉल में बहुत रश, इतने जने थे, बहुत लाइन थी। और बिल देने गए, वहाँ पे भी लाइन थी। सेकंड फ्लोर तक था तो वहाँ तक घूम के आए, सेकंड फ्लोर तक। और बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, मैं भी अपने लिए कुछ लेके आई हूँ। मैं ऑलवेज जाती हूँ, तो ये वाला पति हो ना, तो अगर डीमार्ट में जाए ना, बताती हूँ। ये वाला पति हो ना, तो डीमार्ट में जाए ना, तो स्लीपर जरूर लेके आए घर के लिए। मैं स्लीपर लेके आई हूँ अपने लिए, घर में पहनने के लिए। एक लास्ट टाइम लेके आई थी, फिर अब दोबारा भी लेके आई हूँ। जब भी जा रही हूँ, जब भी स्लीपर लेके आ रही हूँ। तो ये वाले पति को मैंने बहुत तंग कर दिया है। ये वाले पति है ना मेरे, वो भी कुछ लेके आए हैं। टी शर्ट लेके आए हैं, और मेरे लिए जिमजैम बिस्किट भी। तो मैं खाके भी के खुश रहती हूँ, तभी भी ऐसी पतली हूँ, मोटी नहीं हो रही हूँ। और जो मेरी माँ है, वो देखो चाय बना रही है अभी। कल का व्लॉग अभी तक पोस्ट नहीं किया है, आज पोस्ट करने वाले नहीं थे, सोच रहे थे नहीं पोस्ट करें, फिर अभी काजल बोली मैं एडिट कर रही हूँ। तो ये मेरी माँ, मम्मी ने खाली खाने की चीज़ें ली बस, और कुछ नहीं लिया, न स्लीपर लिया, कुछ भी नहीं। लास्ट टाइम भी मैंने डीमार्ट से मम्मी को लेके दिया था, तो वो अभी तक पड़ा है। जब भी जाती हूँ मम्मी को भी लेके देती हूँ डीमार्ट से। वे ऑलवेज आप भी लो, यहाँ पे अच्छे मिलते हैं स्लीपर्स। बहुत सारे सामान लेके आए हैं, ये 3-4 बैग्स भर के आए हैं। एक ये 2 बैग्स भर के लेके आए हैं, फुल है। एक ये और एक ये, और यहाँ से जो पॉपकॉर्न लेके आए, ये पॉपकॉर्न लेके आए, ये 3, 1, 2, 3, 4 बैग्स है, फुल की फुल, चारों भरी हुई है। ये लोग नहीं लेके चल रहे थे, मैंने बोला नहीं ये इनकी है, मैंने खाली करवाई, लेके चलो। ये मम्मी की है और वो भी मम्मी की है, मम्मी के भी सामान कपड़े सब रूम में खाली करवाए दोनों, ये भी लेके चली। और एक ये पड़ी है मेरी, मेरे पास ऐसी वाली 1-2 और भी है, मैंने कहाँ पे रख दी थी, फिर ये मिल गई तो ये भी लेके गई मैं। तो इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, और जो मैंने ग्रोसरी भी लिया है ना, ऑलमोस्ट मैंने 2 मंथ मेरा जाएगा, मैं इतना सामान लेके आई हूँ। क्यों, तो फिर बाद में ये भी बिजी हो जाते हैं, इनको भी नहीं होता है, मेरे से भी बार बार लिखना नहीं होता है। मैंने एक्स्ट्रा एक डब्बा बना दिया है बड़ा वाला, जो उसमें क्या करती हूँ, जैसे ये पैकिंग है ना, पैक किए हुए सामान सबके सब मैं पैक किए हुए रख देती हूँ। जो जो चाहिए, एक एक आधा आधा किलो का पैकेट मैं ओपन करके रखती हूँ बस। भाई जैसे राजमा हुए, दाल हो गई या सांभर की दाल हो गई, कुछ भी हो गया ना, आधा आधा मैं पैकेट निकाल देती हूँ, आधा आधा किलो, बाकी के सारे मैंने वहाँ पे बड़े डब्बे में पैक करके रख देती हूँ। पैक ही है, जैसे वैसे ही पड़े रहते, 2 महीना बोलो 3 महीना बोलो खराब नहीं होते, बहुत अच्छे से पड़े रहते। तो मैंने एक साथ ही पूरा ले लिया है, जो जो मुझे ज़रूरी सामान चाहिए था वो सब मैं लेके आई हूँ। बहुत मुझे लग रहा है 2 महीने तक आराम से मेरा ये पूरा ग्रोसरी का सामान जाएगा, एक ही साथ मैंने ज़्यादा लिया है। जो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा लेके आई हूँ, जो चीज़ें कम खाते हैं वो कम लेके आई हूँ। तो चाय आस्ते आस्ते चप्पल लग जाता, चाय भी बन गई है। तो अभी हमने समोसा खाया है, प्रसाद मिला, हमारी बिल्डिंग में ही नीचे बच्चे बांट रहे हैं बिल्डिंग में प्रसाद शिवरात्रि का, तो हमारे बिल्डिंग के ही बच्चे हैं। फिर मैं चल नहीं पा रही थी, थोड़ा आगे चल के आई, फिर इनको बोला भाई प्रसाद लो, वो लोग बोल रहे थे सबको भाई प्रसाद लो आप चारों, तो मैं चल नहीं पा रही थी थोड़ा आगे तक, काजल ने मुझे छोड़ा, फिर मैंने बोला काजल का और मेरा आप ही लेके आओ। तो अभी जाके वहां से लेके आए समोसा, वो गरम समोसा भी खाया। ऑटो में आते आते पॉपकॉर्न भी, ये आगे बैठे थे इनको हाथ में खिलाती जा रही थी, ये भी भूख बर्दाश्त नहीं होती है इनसे। तीनों चारों खाते खाते आए हैं पूरा रास्ता, पॉपकॉर्न ऑटो में, फिर यहाँ पे समोसा लेके आए खाया। अब थोड़ी चाय पी लेते हैं। तो आज मैंने व्लॉग में प्लेट में चाय पी ही ली। वैसे व्लॉग होता है मैं कप में पीती हूँ, व्लॉग नहीं होता है तो फिर ऐसे छुप छुप के मैं प्लेट में पी लेती हूँ। आज इतनी थकी हुई हूँ, आज प्लेट में ही चाय असर करेगी मुझे, तो ये प्लेट में पीने का मजा ही कुछ अलग होता है।